एक गाइस जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये है वैल्यू कंपनी का XVR, जिसे हम DVR भी बोल सकते हैं। तो गाइस आज मैं इसकी एक कंप्लीट सेटअप वीडियो लेके आया हूँ। इसको आप कैसे सेटिंग करेंगे, फीचर्स है वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। इसमें क्या क्या फंक्शंस आपको देख मिलते हैं, आप ऑडियो कैसे एक्टिवेट कर पाएंगे अपने NVR DVR के अंदर जो XVR आता है वैल्यू कंपनी का। तो गाइस वीडियो को कम्प्लीट देखना और मैं आपको बताऊंगा कि आप इस DVR को कैसे ऑनलाइन कर पाएंगे नेटवर्क के थ्रू, एंड आप इसकी जो ऑडियो वो कैसे ऑन करेंगे, एंड इसकी जो कैमरे जो आते हैं वैल्यू फोन के कैमरे उनको कैसे कंट्रोल कर पाएंगे, उनके जो कलर मोड होते हैं उन्हें भी आप कैसे शिफ्टिंग कर सकते हो, इस वीडियो में बताने वाला हूँ। DVR है वो ऑन कर लिया यहाँ पर, और आप देख पा रहे हैं डिस्प्ले, आप देख सकते हैं डिस्प्ले पर आपको वैल्यू कंपनी का ये लोगो दिखाई दे रहा है, एंड यहाँ पे गाइड जो आ रहा है यहाँ पे आपको देखने मिलेगा, एंड आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। ये जो आपको QR कोड दिख रहे हैं ये इसके एप्लीकेशन के QR कोड हैं दोनों, एंड्रॉयड एंड iOS के लिए। और ये जो रिमोट एक्सेस है ये आपका कंट्रोल करने का QR कोड है जो आप ऐप में ऐड करोगे। इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना के दूंगा आपको कि आप कैसे अपने DVR को ऑनलाइन करके अपने स्मार्टफोन में देख पाएंगे। तो गाइस अभी हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, एंड नेक्स्ट पेज पर आपको टाइम डेट ये सारी चीज़ें देखने मिल जाती हैं जो कि जनरल सेटिंग्स जो होती हैं वो आपको यहाँ पर सेट करनी पड़ती हैं। ठीक है, जैसे 5:30 ये बॉम्बे एंड न्यू दिल्ली का ये सेटिंग की हुई है पहले से, एंड यहाँ पर आप ये सारी चीज़ें आप फिल कर सकते हो। एंड गाइस जैसे आपने कैमरा यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया है और कैमरा आपका रन कर रहा है डिस्प्ले पर, तो आपको ये वाली सेटिंग पे जाना है ऑडियो सोर्स। तो गाइस आपको यहाँ पे दो ऑप्शन देखने मिलेंगे, एनालॉग एंड कॉक्सिकल। एंड गाइस अभी आपको जो ऑडियो एक्टिवेट करने के लिए जो ऑप्शन क्लिक करना है वो करना है कॉक्सिकल पे। कॉक्सिकल जैसे आपका ये क्लिक हो जाएगा, एंड उसके बाद आपको करना है नेक्स्ट पेज, एंड नेक्स्ट पे जाने के बाद आपको यहाँ पे अपना IP वगैरह सेट करना है, ये आपका राउटर का IP होता है, एंड उसके बाद आपको नेक्स्ट पे जाना है। नेक्स्ट के बाद ये जो आपकी सेटिंग्स हैं ये कम्प्लीट हो चुकी, एंड आपका जो होम पेज है इस प्रकार का देखो मिलने वाला है। एंड अभी हम चलते हैं इसके मेन मेन्यू पे, पासवर्ड डालने के लिए बोलेगा, अगर आपके DVR का पासवर्ड है तो डालें वरना आगे बढ़े यहाँ से। ठीक है, एंड गाइस अभी आपको जाना है सिस्टम में। सिस्टम आपको नेटवर्क के नीचे सिस्टम वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा। सिस्टम पे जैसे आप जाओगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इनकोड। इनकोड में जैसे आप जाओगे तो आपको यहाँ से कैमरे लेने हैं, आपके जितने भी कैमरे हैं, जैसे मान लो वैल्यू कंपनी के कैमरे आपके यहाँ पे इंस्टॉल किए हैं इस साइड पे आपने इसे DVR के अंदर, तो आपको ऑल कैमरे पर सेलेक्ट करना है, एंड ये आपको नीचे वाले जो सारे जो ऑप्शन हैं ये टिक करने हैं, ऑन करने हैं। अगर ये ऑफ रहते हैं तो ये आपको ऑन करने पड़ेंगे। ठीक है, एंड उसके बाद में आपको यहाँ पे कॉफ़ी टू करना है। कॉफ़ी करने के लिए यहाँ पे कम ऑल पे यहाँ पे भी ऑल सेलेक्ट करना पड़ेगा, एंड ओके, फिर उसके बाद अप्लाई, एंड फिर ओके, फिर उसके बाद आपको एक बार चेक करना पड़ेगा गाइस कि ये जो आपने सेटिंग्स से अप्लाई किए हैं वो सेव हुई हैं या नहीं हुई हैं। तो उसके लिए हम फिर से जाते हैं इनकोड पे और एक बार फिर से चेक करते हैं, यहाँ पे कॉपी टू पे जाके देखते हैं, यहीं से आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे सेट है नहीं है, नहीं हुआ है गाइस, आपको फिर से करना होगा और ऐसे ही आपको एक बार रीचेक करना पड़ेगा, एंड ऑल पे जाना है और यहाँ पे आपको अप्लाई करना है, एंड ओके। तो गाइस ये जो हमारी सेटिंग्स हैं ये अप्लाई हो चुकी हैं। अगर आपका कैमरा यहाँ पे इंस्टॉल किया है आपने साइड पर तो आप यहाँ से कैमरे को भी देख पाएंगे कैमरा कैसे रन कर रहा है, एंड इसकी जो ऑडियो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ऑडियो यहाँ से आप कंट्रोल कर पाएंगे, अप डाउन एंड हाई एंड लो जो भी है आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। तो गैस ये रहा आपका जो ऑडियो का जो सेटिंग था, एंड ऑनलाइन का जो सेटिंग था मैंने आपको समझा दिया है। जनरल में जो सेटिंग्स आती है वो भी मैंने आपको बता दी है कि टाइम आप डेट कैसे डाल पाएंगे।